नागपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की। यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह आज अयोध्या में बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा लालजी टंडन, कलराज मिश्र, विनय कटियार और पंकज सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। अमित शाह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के बाद अमित शाह संतों से आशीर्वाद लेंगे। नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के नेताओं से रूबरू होंगे। मिशन बिहार के तहत मोदी कार्यकर्ताओं को नीतीश पर निशाना साधने के गुर भी सिखाएंगे। इंटरव्यूज पर खास बातचीत में कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ट्विटर पर मोदी के सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर सवाल खड़े किए हैं। बेनी प्रसाद वर्मा पर मुलायम सिंह यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। मुलायम ने कहा है कि मुफ्त में बेनी उनकी चर्चा कर रहे हैं। मुलायम पर बेनी की तीखी बयानबाजी पर अमर सिंह ने कहा कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। रांची पहुंचे बाबा रामदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की सियासी गलियारों में खासी चर्चा है। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे आज चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फूड सिक्योरिटी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब सरकार को इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद में पास कराना होगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। गुप्तकाशी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीएमए ने एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया है। तबाही के बाद 18 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे गोविंद घाट तक के लिए खोल दिया गया है। यहां फंसी 1000 से ज्यादा गाड़ियों को बीआरओ से नई निकालने का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की स्नेहलता ने मुआवजा लेने के लिए झूठी कहानी बनाई थी। उसके माता पिता केदारनाथ नहीं बल्कि द्वारका गए थे। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ याचिका पर आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। कानपुर पासपोर्ट कार्यालय में हुई पुलिसिया कार्रवाई से नाराज वॉलंटियर पासपोर्ट एम्प्लॉयज यूनियन ने पूरे यूपी में हड़ताल कर दी है। दिल्ली के जाफराबाद में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई जिसमें 11 लोग जख्मी हो गए हैं। दिल्ली में बेकाबू ट्रक ने एक सेंट्रो कार को टक्कर मार दी जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंबई में चाकू से गोद कर एक लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की बैंक में काम करती थी। पुलिस तलाश में जुट गई है। हत्या गुड़गांव में एक दिन में एक महिला से 2 बार 2 लोगों ने रेप किया है। आरोप एक ऑटो ड्राइवर और आईआरबी में तैनात एक पुलिस वाले के ऊपर लगा है। रोहतक के खराबर चौकी प्रभारी और सिपाही को गश्ती के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। दिल्ली के बाद बिहार के गया और मुंगेर में भी महिला डाकघर खुलने जा रहे हैं। डाकघरों में सभी कर्मचारी और अधिकारी महिला ही होंगी।